कई बार होता है हम एडिट कर देते हैं हमारे सेशंस में, मतलब लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, ये झालर वालर तोड़ देते हैं, कोई दीवारों पे सर मारने लग जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आकर के लेट जाते हैं, मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं, मतलब कुछ भी हो जाता है यहाँ पर, एक्साइटमेंट अलग लेवल पे जाता है। आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर बैक स्टेज में, उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनका एक बहुत पॉपुलर शो है यूट्यूब के ऊपर TRS के नाम से, द रणवीर शो के नाम से। सो प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली रणवीर अलाहाबादिया। भाई क्या हाल है, मैं आपको नहीं सुन रहा हूं। सो गुड टू सी यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है क्योंकि मैं कॉलेज से आपका यूट्यूब चैनल देखते जा रहा हूँ। Just little overwhelmed. I must say you look better in person than in videos. वैसे videos में भी आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन ऐसे आप और अच्छे लगते हो। आपकी जो एनर्जी है, जो स्माइल है, आपकी भी और बहुत ज्यादा अलग है सर। हमने अभी इतने सारे पॉडकास्ट कर लिए, आई थिंक आई नोटिस ऑरास मोर देन यूजुअल, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा है, तो मुझे 2 मिनट लगेंगे थोड़ा सा शांत होने में। मैंने जो ऑब्जर्व किया आपकी वीडियोस देख करके, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने देखा कि आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है, आपके अंदर एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट है। लाइफ इज टू शॉर्ट टू मेक एनिमीज, यू नो, अगर दोस्ती बना सकते हो तो बना लो, राइट? लाइक यू शुडंट वॉन्ट द ड्रामा, ड्रामा से आपकी एनर्जी सैप होती है। बताइए आप में से कौन है जो इनसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर वीडियोस एंड अ लॉट ऑफ योर पॉडकास्ट एंड ऑल, एंड व्हाट आई हैव गैदर्ड इज यू आर अ बिग फैन ऑफ गैरी वी। एंड उससे पहले आई थिंक यू आर अ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो आई थिंक टुडे इन गेटिंग इन्वाइटेड बाय संदीप सर वुड बी लाइक, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आई फील कि स्पिरिचुअलिटी इंट्रोडक्शन मेरी लाइफ में इनकी वजह से हुई थी। कैसे, मैं जानना चाहूंगा। आप जनरली स्पिरिचुअलिटी लाते थे एज अ टॉपिक आपके अर्ली वीडियोस? हाँ, मैं बात करता था हल्के से, एंड आई फील कि वहाँ वो इंसेप्शन हो गई वो थॉट, उसके इफेक्ट्स आपके करियर में होते हैं, आप इजीली दोस्त बना पाते हो आप। तो इट ब्रिंग्स पॉजिटिव इफेक्ट्स, एंड आई फील कि द मोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट इज आपके जो खुद के घर पे रिलेशनशिप्स है, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स है, उनको भी फायदे मिलते हैं। आई नो दैट यू आर सीइंग समवन काइंड ऑफ डेटिंग समवन एंड यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद अ स्पिरिचुअली, लाइक योर the mental stimulation that you need, you are not able to get that from her. नहीं नहीं ऐसा नहीं। You have mentioned it in a video. I have seen that video. Is it serious or are you like? आप सीधा पूछिए ना जो पूछना चाहते हैं। आपकी शादी हो गई नहीं हुई? नहीं नहीं, I'm single and I'm looking. That's why I'm asking. हाँ ठीक है। I'm also single actually. Okay. But I feel कि at this phase बहुत कुछ चल रहा है life में career wise. I'm open. Even mic लेकर के बोलिए। जिसमें इंटरेस्ट है जनता का वही बात करी जाए तो बेटर है। हम अपनी बातें क्यों करें? Said that you're open for dating. It's clearly visible. Yeah, it's clearly visible because you are at that point of time that you are well established and obviously you are growing. So I mean, it would be like much more comfortable to have a partner who can help you out with your venture as well. यहाँ पर अगर एक और फीमेल आ जाए ना तो अच्छा, मतलब तीनों तरफ से अटैक हो जाएगा इनके ऊपर, मतलब और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नहीं सर, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग ये अटैक। ऑनेस्टली आपके पर्सनल लाइफ के लिए टाइम बहुत कम होता है इन दिस फेज। आई फील कि एट सम पॉइंट अगले 1-2-3 सालों में मैं आई एम कंफर्टेबल विद, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। आप एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ, मैं वहां बैठा। मैं क्या करूँ ना, आप यहाँ बैठोगे, मैं आप दोनों की ऐसे नजर उतार दूंगा। बड़े बुजुर्गों का यही काम होता है, वो आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। हाँ रणवीर, ये क्या हो रहा है? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तो ये स्पिरिचुअलिटी का सब दीवाने हो गए हैं आपके यहाँ पर आते ही एकदम से। हाँ
मैं ये जानना चाहती हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आती हूँ. हम सब सबकी सक्सेस देखते हैं, मोस्टली सब लोग जो भी अपनी लाइफ में काम करना चाहते हैं सब सबकी सक्सेस को फोकस करते हैं. लेकिन ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि हमें किसी की सक्सेस से ज़्यादा उसकी स्ट्रगल स्टोरी पर फोकस करना चाहिए. तो बेसिकली मैं आपकी स्ट्रगल स्टोरी जानना चाहती हूँ, क्योंकि सक्सेस तो हम आपकी जानते हैं, बट मैं आपकी स्ट्रगल स्टोरी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है. मैंने यूट्यूब पर बात करी है इस चीज़ के बारे में. सो आई हैव समथिंग कॉल्ड एडिक्टिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड इट्स डायग्नोज. मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, दिस वॉज लॉन्ग बैक, दिस वॉज इन कॉलेज. कॉलेज में आई फील की बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, द रॉन्ग कंपनी, काफ़ी बुरी आदतें स्टार्ट हुई थी मेरी लाइफ में. बट इट गॉट ओवर व्हेन आई टुक अप फिटनेस. तो जब फिटनेस की एंट्री हुई मेरी लाइफ में, आई काइंड ऑफ सेड नो टू पार्टीइंग, ये वो. दैट वॉज द स्ट्रगल फेज ऑनेस्टली. ईदर या तो आई वॉज क्राइंग, या तो आई वॉज वेरी इन टू एल्कोहल, या तो आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स दैट वॉज रॉन्ग. बट टू कम आउट ऑफ दैट वॉज द बिग विन. और वो हुआ ऑनेस्टली फिटनेस की वजह से. जब जिमिंग स्टार्ट हुई, जब स्पोर्ट्स फिर से स्टार्ट हुए लाइफ में, इट काइंड ऑफ पुल्ड मी आउट ऑफ इट. पर एक बार जब आपका करियर स्टार्ट हो जाता है, आपकी वो जो भी अडिक्टिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली एनर्जी होती है, वो पूरी की पूरी आप करियर में भी डाल सकते हो. और इसलिए मैं शायद इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बिकॉज आई रियली एन्जॉय एंड मे बी आई एम अडिक्टेड टू यूट्यूब ग्रोथ या टू सी बिजनेस राइजिंग. तो आई फील कि ओवर टाइम स्पिरिचुअलिटी की वजह से, मेडिटेशन की वजह से, उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल आ चुका है. बट इट्स समथिंग आई हैव टू वर्क ऑन इवन टुडे. आई फील कि बहुत सारे लोग यू नो दे डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर फॉर अ लिविंग. आई फील कि आपका केस बहुत यूनिक है, क्योंकि आप मोनेटाइज नहीं करते हो. बट वेन यू आर मोनेटाइजिंग इट फॉर अ लिविंग, या आपकी यूट्यूब की इनकम आपके टीम्स की सैलरी पे कर रही है, तो नंबर्स एंड ऑल दैट रियली अफेक्ट्स यू. बट आई ऑल्सो फील कि अब कोई भी प्रोसेस को, स्पेशली अ प्रोसेस लाइक यूट्यूब जो क्रिएटिव है, अगर आप उस प्रोसेस को एन्जॉय कर रहे हो, यू विल फिगर आउट अ वे टू कम आउट ऑफ इट. बट यूट्यूबिंग में बहुत सारे डाउन फेजेस होते हैं एंड इट्स रेगुलर टू हैव डाउन फेजेस. तो अर्ली ऑन द डाउन फेजेस वुड अफेक्ट मी अलॉट, अर्ली ऑन हेट वुड अफेक्ट मी अलॉट. बट ओवर टाइम आई रियलाइज कि इट्स ऑल डूएबल. अगर एक किसी फेज के बारे में बात करूँ, आई फील कि अर्ली ऑन इन माई करियर मैंने आमिर खान को टारगेट किया था उनके दंगल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा कि आई थिंक आमिर सर हैज़ यूज्ड सम इंजेक्शंस फॉर हिज बॉडी, विच एनीवे आई हैड माय रीजंस बैक देन. आई फील बैड कि मैंने किसी की फेम की वजह से उन्हें टारगेट किया, तो आई हैव दैट रिग्रेट. और उनसे मिलके मैंने अपोलोजाइज भी किया, नहीं एक्सेप्टेड द अपोलॉजी. आई फील कि अपोलोजाइज करना स्पेशली हमारी सोसाइटी में, लाइक मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार है. आई फील कि मेरा करियर भी इंडिया के लिए लाइक डेडिकेटेड है, एंड दिस शुड बी सेलिब्रेटेड. खुद की गलती मानना, लाइक कीपिंग योर ईगो ऑन द साइड, ये ज़रूरी होना चाहिए लाइफ में. इनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये सेल्फ अवेयर है. देखना, ध्यान से समझना इस वर्ड को. बहुत सारे लोग होते हैं वो सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं, यानी अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उन्हें पता ही नहीं लगता है. देखा जाए तो इन्होंने कुछ बहुत गलत नहीं किया. YouTube में नॉर्मल है कि किसी के बारे में कुछ बोलना, सब करते हैं. तो इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर रिग्रेट आ गया, जबकि इनको व्यूज भी मिले होंगे उस वीडियो से. उसके बाद भी ये देख पाना कि शायद मैंने किसी के साथ में कुछ गलत किया, इसके लिए बहुत एक सेल्फ अवेयरनेस चाहिए होती है कि मैंने कहीं जाने अनजाने भी कभी किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया. तो ऐसा कुछ आपके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग आई होगी. That requires a compassionate heart, a kind heart. तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है. जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, वो कभी ये देख ही नहीं पाता कि मैंने क्या गलत कर दिया. जैसे कुछ क्रिमिनल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उन्हें अगर जाकर के आप पूछोगे कि भाई आपने क्या गलत किया, उन्हें पता ही नहीं उन्होंने क्या गलत किया. उन्हें पता तक नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके माइंड में उनकी एक दुनिया है, एक बबल है, बस उसी में वो जीते हैं, उसी में मरते हैं, उसके बाहर वो कुछ समझ ही नहीं सकते हैं. सर, मैं एनजीओ रन कर रहा हूँ जिसमें स्पेशल चिल्ड्रन को हम मोटिवेट करते हैं, या ऐसा कुछ कर रहे हैं. तो मुझे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि लाइक मैं उनको कैसे मोटिवेट करूँ, क्योंकि उनकी लाइफ है वो हमारी लाइफ से टोटली डिफरेंट है सर. तो आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग फॉर देम सर. स्टोरी टेलिंग, लाइक आई फील कि मतलब अभी 300 से ज़्यादा पॉडकास्ट कर लिए. जो सबसे बेस्ट मोटिवेटर्स होते हैं वो हमेशा सबसे बेस्ट स्टोरी टेलर्स भी होते हैं. और अगर आपने स्टोरी टेलिंग की स्किल क्रैक कर ली, आप किसी को भी मोटिवेट भी कर सकते हो और किसी की अटेंशन भी ग्रिप कर सकते हो. बट स्टोरी टेलिंग भी एक स्किल होती है. जैसे हम कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, उसका एक सबसेट स्टोरी टेलिंग होता है. इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है. सवाल ये उठता है किसी को भी मोटिवेट कैसे किया जाए कोई भी काम करने के लिए. तो आपको पहले उनके लेवल पर जा करके उनके वर्ल्ड व्यू को समझना पड़ेगा.
आपका जो अपना वर्ल्ड व्यू है, जिस तरह से आप दुनिया को देखते हैं बेस्ड अपॉन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, दैट इज पोल्स अपार्ट फ्रॉम देयर वर्ल्ड व्यू. जैसे आप कह रहे हो कुछ स्पेशल चिल्ड्रन है, वो बेसिकली मान लो कोई देख नहीं सकता है, तो उसका जो वर्ल्ड व्यू है वो आपके वर्ल्ड व्यू से बिल्कुल ही अलग है. कोई सुन नहीं सकता है, उसका बिल्कुल अलग है. तो पहले आपको उसके एंगल से समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वॉट इज इट दैट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू. फिर उसके लेवल पे जा करके उससे बात करनी पड़ेगी कि देखो तुम्हारे जैसा ही एक बच्चा जो देख नहीं सकता था, आज देखो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. आओ तुम्हें उनकी कहानी सुनाते हैं, वही जो इन्होंने बोला स्टोरी टेलिंग. सर आपने रिलेशनशिप के बारे में बोला, तो घर पे हो या दोस्त हो, फीमेल फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, ऑफिस हो, मतलब मन में जो कन्वर्सेशन हमें होता है कि हमें ये बात बोलनी है और वो सामने आकर नहीं बोल पाते, घर पे भी नहीं बोल पाते, अपने मन की बात नहीं रख पाते ठीक से, तो वो गैप कैसे मतलब कवर करें. YouTube के पहले मैंने इंजीनियरिंग करी थी और हमेशा मुझे ये लगता था कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी. बट YouTube के पूरे प्रोसेस में माय वन फेवरेट फैक्टर वाज राइटिंग, जर्नलिंग. अगर ये वाली कॉन्वर्सेशन से पहले आपने अपने थॉट्स लिख दिए नगा और आपने उन थॉट्स को पढ़ा, आप फिर आसानी से उस सिचुएशन में बोल पाते. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट्स वर्क फॉर मी. और जब आप उस सिचुएशन में होंगे, आपको ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कह दो व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट विल हैपन, वो रिजेक्ट कर देंगे. तो आई वॉज अबाउट टू से दैट. मजे की बात बताऊँ, मेरे भी माइंड में यही चल रहा था जो अभी आपने कहा, और अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछती मैं भी यही जवाब देता कि पहले आप लिखो जी और फिर कम्युनिकेट करो, या लिख करके कम्युनिकेट कर दो. कम्युनिकेशन के दो तरीके होते हैं ना, एक होता है बोल करके, एक होता है लिख करके. कुछ लोग लिखने में अच्छे होते हैं, कुछ बोलने में अच्छे होते हैं. लिखने में तो अच्छी हूँ. तो लिख करके अपने आप को एक्सप्रेस करो, किसने कहा है बोल करके करना है. बट सर घर पे जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, जैसे हमें कुछ अपना पॉइंट रखना है, वो नहीं समझ पाते हमारे पेरेंट्स, गैप है मतलब थोड़ा. बड़ा पॉइंट है, छोटा पॉइंट है, किसी बड़े पॉइंट को एक्सप्लेन करना है या छोटे पॉइंट को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बड़े पॉइंट को एक्सप्लेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बड़े पॉइंट कितने होते हैं लाइफ में? दो तीन ही होते हैं, चार ही होते हैं, और कितने होते हैं? शादी को लेकर के होगा, करियर को लेकर के होगा, यही दो तीन पॉइंट होंगे, और कौन से पॉइंट होंगे, राइट? तो अगर इससे रिलेटेड आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि खाने में क्या बनना चाहिए वो अपनी मदर को मैसेज करो, कल जो आपने खाना बनाया था वो मुझे पसंद नहीं है, आपने मेरे भाई की पसंद का खाना बना दिया, आप अपने बेटे को ज़्यादा प्यार करते हो, बेटी को नहीं करते हो, पार्शियलिटी है, अपने पति के लिए भी बहुत अच्छा बनाते हो, मेरे लिए नहीं बनाते हो. तो ये मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो बड़े पॉइंट है, यानी कि क्या कि वो शादी के लिए बोल रहे हैं. मैं समझ गया, देख लो आपके माइंड में क्या चल रहा है, मुझे पता है. शादी हो गया, करियर हो गया, या इन दोनों के बीच की लड़ाई हो गई, घर वाले कह रहे हैं अभी शादी कर लो, आप कह रहे हो नहीं अभी मेरे को अपने करियर में मेरे साथ देखा. यही चल रहा है, मैं मना कर रही हूँ अभी नहीं शादी करनी. सच में सर शादी को बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा. मैं समझ गया हूँ. मैं समझ पा रहा हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन अब आप और ज्यादा कुछ मत बोलो, यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है? आप बैठ जाओ आराम से, मैं आपको जवाब देता हूँ. एक ही बड़ा पॉइंट निकल के आया ना, छोटे पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, छोटे को छोड़ देते हैं. एक बड़ा पॉइंट निकल करके आया, तो इस बड़े पॉइंट को एक दिन लगाओ, दो दिन लगाओ, दस दिन लगाओ, आराम से बैठ करके लिखो. हो सकता है पहले आप लिखोगे दस पेज बनेंगे, अब दस पेज वो पढ़ेंगे नहीं, तो आपको 10 पेज को 5 पेज करना है, फिर 5 पेज को 2 पेज करना है, 2 पेज को 1 पेज करना है, फिर वो 1 पेज को बड़े अच्छे से एक लेटर लिखना है. अभी आप क्या कर रहे हो? बस जाकर के उनको बोल रहे हो, वो सामने से कुछ बोल रहे हैं, बहस हो रही है, ना वो बात कर रहे हैं ना आप बात कर रहे हो. अपने पॉइंट को ढंग से एक्सप्लेन तो करो, और वो जब एक्सप्लेन करते हैं तो आपको क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है, आप बोलो मैंने आपको खत लिखा, आप भी मुझे खत दो. सर मैं आपको बोलना चाहूंगा, मतलब आपने बोला कि कोई भी लड़की को इनको प्रपोज करना चाहती, पर मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ. मुझे? यस सर. करो. प्रपोजल किसी भी चीज के लिए हो सकता है, सुनो तो सही, प्रपोजल क्या है भाई साहब का? जी हाँ बताइए भाई साहब, क्या प्रपोजल है आपका? मतलब बहुत प्यार देता हूँ कि, और मैं आपकी बहुत भी इज्जत भी करता हूँ, आपके जो मतलब पॉइंट्स हैं मैं उनको बहुत अच्छे समझता हूँ. ठीक है, मतलब मेरी इज्जत करना चाहते हो? हाँ जी. सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब मोस्टली ज़्यादातर बंदे मिडिल फैमिली से होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मतलब क्या होता है जैसे हमारे फैमिलीज में कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आपको मतलब मेंटली मतलब बहुत टॉर्चर करते हैं. जैसे अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, कुछ भी कुछ करना चाहते हो लाइफ में जो मतलब आपके फैमिली से मतलब लगता है कि काफ़ी बड़ा है, पर वो लोग हैं मतलब आपको मतलब
हर टाइम मतलब ऐसे सिचुएशन में लाएंगे आपको डिप्रेस करेंगे कि वो आपको मतलब ये फील कराएंगे कि आप उससे ऊपर उठ नहीं सकते। ये दुनिया भर होता है और ये हमेशा के लिए होते जाएगा, लाइक अभी भी हमारे साथ भी होता है। अगर उसको सर मतलब टैकल कैसे करें उस चीज को? मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ कोई सलूशन नहीं है, आपको एक कान से सुनना है दूसरे कान से निकालना है, क्योंकि ये होते जाएगा। और जितना जल्दी आपने ये स्किल सीख ली ना, जितनी जल्दी आपने ये स्किल सीख ली है एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। आज भी YouTube में मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है, बट यू गॉट अ मूव पास्ट इट। मतलब सुन लो एक कान से दूसरे कान से निकाल लो स्टिल। एक्सेलेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया। मेरे क्वेश्चन का आंसर बस रणवीर सर के पास ही है, और इनको सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आज से सर 4-5 साल पहले जब से मैं कॉलेज में था सर, एक ऐसा सोसाइटी में ट्रेंड बना रखा था जैसे कि जिसको बियर्ड है ना वही स्मार्ट है और चिकने लोग हैं, और शायद खासतौर से लड़कियों ने भी सर कुछ ऐसा ही, जैसे जिसको भी देखो बियर्ड होनी चाहिए बियर्ड, और सबको अच्छी नहीं आती, ये भी रियलिटी है सर। आपको देखने के बाद सर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है सर, अब आज भी क्लीन शेव करके आए हो मतलब कि अब मैं जहाँ भी जाता हूँ जो पैची आ रही है अच्छी लगनी नहीं तो रखनी क्यों, जिसको अच्छी आ रही हो रखे। कॉन्फिडेंस बियर्ड या बॉडी से नहीं आता, यहाँ से आता है। थैंक यू सो मच रणवीर फॉर कमिंग, मुझे सीरियसली बहुत मजा आया आपके साथ में सर, आपको भी अच्छा लगा होगा, मजा आया, वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच।